नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लौंग से लिंग को बड़ा और मजबूत करने का तरीका बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज वर्मा और आप देख रहे हैं देसी इलाज है ना। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाले निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उसे देख सकें। दोस्तों, जिन लोगों का लिंग बहुत ज़्यादा पतला है या फिर मजबूती नहीं उसमें और वो अच्छे से खड़ा नहीं होता है, ढीलापन रहता है, संभोग करते वक्त पूरा मज़ा नहीं ले पाते हैं वो, और उनका लिंग छोटा है, तो उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया है। बहुत यानी कि एक तरह का वरदान समझ लीजिए आप उन लोगों के लिए जिन लोगों को लिंग में दिक्कत है। तो दोस्तों, वीडियो को आपने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, बिल्कुल आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आएगी जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आपको उसके लिए चाहिए क्या, ठीक है, लिंग को बड़ा करने के लिए और मजबूत करने के लिए आपको चाहिए लौंग का तेल। दोस्तों, ये मेरे पास लौंग है, आपको इसका तेल आता है मार्केट में, कहीं भी आपको किराना स्टोर पर मिल जाएगा। लौंग का तेल आपको चाहिए, और चाहिए आपको जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल और क्लोव ऑयल, जो कि लौंग के तेल को कहते हैं इंग्लिश में, क्लोव ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों आपको चाहिए। तो आपने कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल लौंग के तेल को और जैतून के तेल को मिलाकर एक शीशी में रख लेना है, ठीक है, शीशी में रख लेना है, और उस तेल से अपने लिंग पर मसाज करनी है रोज सुबह शाम, हो सके तो सुबह शाम कीजिए, नहीं तो रात को तो करनी ही करनी है। दोस्तों, मसाज करने का भी तरीका होता है, आपने लिंग को पूरे लिंग पर नहीं करना होता है, जो आपका अगला हिस्सा होता है जिसे सुपारी कहते हैं उसे छोड़कर लिंग के पिछले वाले हिस्से पर अच्छे से उस पर मसाज करना है इस तरीके से, ठीक है, और नसों पर हो सके तो नसों पर अच्छे से सुटाई कीजिए ताकि नसें खुल सके जो कि बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से आपको संभोग करने में दिक्कत हो रही है और आपके लिंग का साइज जो नहीं बढ़ रहा है, बहुत छोटा है, वो बढ़ सके। दोस्तों, आपको ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको इसका जो है रिजल्ट दिखने लगेगा, फिर भी आपको इसे लगातार करना है जिससे कि आपका जो है लिंग का साइज है बढ़ सके, ठीक है। दोस्तों, आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया उसी प्रकार से करना है, और कोई तरीका नहीं होता है इसको कि आपने इसको आगे भी नहीं लगाना है और ज़्यादा इसको रगड़ना भी नहीं है, सिंपली जैसा मैंने मसाज बताया है, हल्के हल्के दो उंगलियों को नीचे लगाना है, अंगूठे के ऊपर अच्छे मसाज करना है, ठीक है। ऐसा आपने लगातार 3 महीने तक करना है और ज़रूरत पड़ती है तो आगे भी करना है इसको, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ ही गया है ना कि मैंने क्या क्या बताया आपको, क्या क्या चाहिए, फिर भी मैं आपको लिखकर भी दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें, जिससे कि आपको ज़्यादा याद रह पाएगा। एक तो आपको चाहिए लौंग का तेल चाहिए आपको, ठीक है, और चाहिए आपको जैतून का तेल, ठीक है, जिसे ऑलिव ऑयल भी कहते हैं, जैतून को ऑलिव ऑयल, सॉरी, ठीक है, इन दोनों को मिला के लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, आप चाहे जब कर सकते हैं इसको, और कोई भी उम्र के कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं इसको, कोई भी इसका नुकसान नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।